चलें यार. कौन कोई किस कौन पूछ रहा है? एनीबडी इज आस्किंग एनी क्वेश्चन. यार मैं आई वुड से कि मुझसे ज़्यादा तो कहाँ है. माई सन इज़ एक्साइटेड बिकॉज ही इज़ द वन आई आस्क्ड हिम. ही हैड अ फुटबॉल क्लास एंड ही नेवर मिसेज इज फुटबॉल क्लास. मैंने इससे पूछा कि फुटबॉल क्लास मिस कर सकते हो तो यू कैन सी एंग्री बर्ड टू. ही सेड यस इमीडिएटली. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये कभी फुटबॉल क्लास मिस नहीं करता एंड ही हेट्स मिसिंग इज फुटबॉल क्लास. अगर उसको मिस करके वो ये एंग्री बर्ड देखने आया तो मतलब सो आई हैव कम फॉर हिम. बहुत फ़र्क है यार. हमारे बचपन में तो एनिमेशन का जो क्वालिटी था दैट वॉज नॉट वेरी गुड आई वोंट से, बट स्टिल टेक्निक हैज़ इवॉल्व्ड. बहुत सारे इन्वेंशंस हुए हैं तो अब जो एनिमेटेड फिल्म्स होती हैं दे आर मच मोर रियल. हमारे ज़माने में जो एनिमेटेड फिल्म होती थी वो पता चल जाता था. वो जो दूरदर्शन पे भी आती थी, एक गिलहरी एक चिड़िया ये वो, सो पता चलता था कि एनिमेशन है. बट आई थिंक उस टाइम के हिसाब से वो भी अपने आप में एक बहुत अच्छा एफर्ट था. But now the technique has evolved, so what you see now is very different. Yeah, मैं तो Lion King में देना चाहूँगा. I would love to do that. मतलब as an actor, it's a great challenge to create a voice for an animated character, whether it's a living character. या फिर वो कोई एनिमल हो. आई थिंक इट्स अ चैलेंज फॉर एनी एक्टर. तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा, स्पेशली लायन किंग में नेक्स्ट टाइम अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो. लॉट्स लेकिन किसी के बारे में बात नहीं कर सकता हूँ. बट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर देर विल बी लॉट ऑफ डिफरेंट वर्क एंड द काइंड ऑफ वर्क जिसमें लोगों ने मुझे पहले कभी नहीं देखा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Are you smiling big? It's so excitement that you know you're happy to come here. You missed your football. Thank you. 67. Yesterday मेरे एग्जाम्स ख़त्म हुए. सो माई मॉम गेव मी अ गुड न्यूज़ दैट आज मैं एंग्री बर्ड्स 2 देखने जा रही हूँ. सो अभी तक ट्रेलर तो देखा नहीं है लेकिन इसके पोस्टर से और ये सब देख के पता लग रहा है कि कितनी एक्साइटिंग और कितनी थ्रिलिंग और मज़ेदार मूवी होने वाली है. मुझे सबसे ज़्यादा लाइक बचपन में आप सबने कपिल शर्मा शो ये सब बहुत देखा होगा विद फैमिलीज एंड ऑल, तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मुझे लगता है आप लोग भी एक्साइटेड होंगे फॉर दिस मूवी. यस इट्स रियली एक्साइटिंग.
100% again. Really? Yeah. ऐसा है क्या? नहीं नहीं, in fact हम दोनों को एक साथ बहुत spot किया जाता है. Yeah, मैं तो बहुत excited हूँ actually. अभी आपने सुना नहीं शायद विनी ने क्या बोला वहाँ पर खड़े होके. She said कि मुझे भी red पहन के आना चाहिए था because I'm like this. Yeah. Mostly यार because you know whenever I'm hungry especially. तो मैं ऐसा हो जाता हूँ वो गुस्से वाला और when he is feeling hot और I'm feeling hot तो मैं ऐसे ही मतलब गुस्से वाला वो angry yeah so नहीं look at him कोई बात नहीं no but they said okay I'm very excited यार मुझे तो सबसे अच्छी बात ये है कि last time हम लोगों ने the Lion King देखी थी and उसमें you know Indian artists ने जैसा सबने शाहरुख ने सबने आवाज़ दी थी and we were very happy हम लोगों ने हिंदी का शो देखा था हिंदी डब शो देखा था तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट क्योंकि कपिल एंड यू नो हु एल्स डिड द कीकू एंड अर्चना अर्चना जी तो इन सब ने जिन्होंने अपनी वॉइस दी है दे आर ग्रेट आर्टिस्ट या वॉइस आर्टिस्ट एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एक्चुअली आई पर्सनली आई एम अ फैन ऑफ कपिल शर्मा एंड एवरीबॉडी यू नो इन द गैंग सो आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई एम अ फैन ऑफ एंग्री बर्ड्स ऑल्सो तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा आई थिंक मिक्सचर होने वाला है यू नो विद इंडियन वॉइसेस फेमिलियर वॉइसेस हैं लेकिन नए अवतार में हैं तो बड़ा क्यूट सा इनफैक्ट स्पेशली पता क्या कपिल को हम सब ने हंसाते हुए देखा है सबको और हंसते हुए देखा है सो एंग्री बर्ड में उनकी आवाज़ कैसी लगेगी बींग एंग्री वो कैसे साउंड करेंगे यू नो विद पंजाबी तड़का आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट बिल्कुल यार मैं आयरन मैन को देना चाहूंगा आई वुड लव टू डू अ प्रिंसेस डायरी और समथिंग यार इसी बहाने अलादीन प्रिंसेस मैन या लाइक एनीथिंग यू नो इसी बहाने हम अपने सपने जी लेंगे यू नो सो वी ऑलवेज ग्रोन अप वाचिंग द प्रिंसेसेस चाहे वो जैस्मिन हो चाहे वो बार्बी हो चाहे वो सिंड्रेला हो चाहे वो कोई भी हो तो आई वुड लव टू व्हाई नॉट ना थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू दिस वे या दिस वे हेलो 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 गुड 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 आई हैव बीन अ ह्यूज फैन ऑफ एंग्री बर्ड्स मैंने पार्ट वन भी देखी हुई है एंड आई यूज्ड टू प्ले गेम्स आल्सो एंग्री बर्ड और मेरे पास तो घर पे एंग्री बर्ड का टॉय कलेक्शन भी है लाइक आई एम अ ह्यूज टॉय लवर सो एंग्री बर्ड तो जान है यस यस कपिल सर ने जो आवाज़ दी है वो तो सोने पे सुहागा हो गया और कीकू जी भी हैं अर्चना जी ने भी आवाज़ दी है उन्होंने अपनी तो काफ़ी अच्छी बात है और इंडिया में ऐसी फिल्म आती है और जब अपने ही डब करते हैं अपनी आवाज़ देते हैं तो काफ़ी अच्छा फील होता है और कपिल जी तो हैं तो चार चांद तो ऐसे लग गए काफ़ी मेरा तो अभी शूट से मैं डायरेक्टली भाग कर आया हूँ मैंने बोला जल्दी पैकअप करो फिल्म देखनी मुझे सो आई एम सो एक्साइटेड कैरेक्टर देखा जाए तो रेड मॉम और चक दीज थ्री आर माई फेवरेट कैरेक्टर्स
और घर पे भी लाइक मेरे पास एक्शन फिगर्स है, लाइक सारे टॉयज हैं, तो पूरा कलेक्ट करके रखा है एंग्री बर्ड्स का मैंने. थैंक यू गाइस, थैंक यू. देखो मैं तो इसलिए देखने आया क्योंकि एक एंग्री बर्ड मैं भी हूँ और एंग्री बर्ड से तो हम दोनों के कैरेक्टर्स काफ़ी मिलते हैं इस मूवी से. और ये एक फन मूवी है, आई थिंक कोई भी एनिमेटेड मूवी देखने में एक अलग ही मज़ा आता है. स्पेशली जब आवाज़ कपिल शर्मा एंड अर्चना पूरम सिंह की हो तो डेफिनेटली मैं ज़रूर देखना चाहूँगा कि क्या हो रहा है. जैसे इस मूवी में हम अभी भी लड़के आए हैं वैसे दिख नहीं रहा हमारे चेहरों से. नहीं मेरे से तो नहीं दिख रहा, ये सिर्फ एंग्री बर्ड के लिए फेक स्माइल है. देखो कितनी लड़ाइयाँ होने लग गई यहाँ से, ऐसा ना हो हमारा ब्रेकअप ही हो जाए किसी दिन. ब्रेकिंग न्यूज़ हाँ. कपिल शर्मा की आवाज़ तो जब इनका शो बीच में बंद हो गया था तो हम सुनने के लिए तरसते थे कि कब कपिल वापस आएंगे और कब हम उनकी आवाज़ सुनेंगे. इनफैक्ट यूट्यूब पे देखते थे रिपीट शोज एंड थैंकफुली अब सब सही है एंड ही इज बैक ऑन द टीवी. यस, और आजकल मैंने देखा है कपिल जी ने नई रोल्स रॉयस भी खरीद ली है तो डेफिनेटली एंग्री बर्ड से काफ़ी सारे पैसे कमा लिए हैं कपिल जी ने, रोल्स रॉयस ले आए हैं. एंड अर्चना पूरन सिंह उनकी तो लाफ्टर ही इतनी यू नो इतनी ज़्यादा एडिक्टिव है कि बचपन से सुनते आ रहे हैं और देखते हैं मैम ने क्या कमाल किया इधर. थैंक यू, थैंक यू. अरे आपका बहुत ज़रूरी है. बिग बॉस का कुछ हम आए और बिग बॉस की बात ना हो. कॉम्युनिस्ट नहीं है तो कितनी एक्साइटमेंट है. देखो एक्साइटमेंट तो हमेशा ही होती है शो की, बाकी कितने एक्साइटेड रहने वाले हैं वो फर्स्ट वीक के बाद पता चलता है. एंड आफ्टर लास्ट सीजन लेट्स सी कि ये सीज़न अच्छा हो, सो वी आर एक्साइटेड. लेट्स सी कौन कौन सेलेब्स आने वाले हैं इस शो में और क्या क्या होने वाला है. मैं तो हमेशा सलमान भाई के लिए शो देखता था और आगे भी उन्हीं के लिए देखूँगा, कोई हो ना हो वो खड़े हों एज अ होस्ट तो मैं तो बिल्कुल देखने वाला हूँ. एंड कंटेस्टेंट से पिछली बारी वालों से तो थोड़ी उम्मीद ख़राब हो गई एंड आई एम श्योर इस बारी मेकर्स ने कुछ ना कुछ नया ज़रूर करा होगा क्योंकि इट्स अ बिग शो और इतने बड़े शो को ऐसे नहीं जाने दे सकते. तो आई थिंक इस बारी रॉक करने वाला है बिग बॉस 13. हमारे उसमें काफ़ी सारे नोन लोग हैं तो अभी तक फेवरेट तो ऐसे नहीं बोल सकते. बिंदु दारा सिंह जी इज़ अ वेरी क्लोज पर्सन टू अस. प्रिंस एंड युविका हैं एंड और किसी को मिस तो नहीं कर रहे. बिंदु दारा सिंह जी एंड डायना तो निकल गए हैं एंड आई थिंक पोटेंशियल विनर्स आर प्रिंस एंड युविका. या प्रिंस दे आर डूइंग वेरी गुड, वो हर एक्ट में कुछ डिफरेंट करते हैं. बाकी सब भी बहुत अच्छा कर रहे हैं बट आई थिंक जिसको आप पर्सनली जानते हो उसको आप ज़्यादा फेवर करते हो खुद से. सो प्रिंस एक ऑलरेडी एक विनर बंदा है, उसमें विनर क्वालिटीज़ हैं, आज तक जहाँ भी गया है वो जीत के ही आया है. तो आई थिंक ये शो भी वो जीतने वाला है. अभी तो बताया था ब्रेकअप होने वाला है, आप क्या बात कर रहे हो. देखो एक साथ तो नहीं पता पर अलग अलग ज़रूर आप हमें देखने वाले हैं. बंदगी अपनी साउथ की फिल्म कर रही हैं, मेरी वेब सीरीज आ रही है ऑन Z5, इट्स कॉल्ड लव स्लीप रिपीट. साथ में देख तो रहे हो अभी. और ऑन स्क्रीन बोलो किसी को कास्ट करें हमें साथ में ऑन स्क्रीन. सुन लो जो भी इंटरव्यू देख रहा है साथ में प्लीज सब कास्ट करो हमें ऑन स्क्रीन साथ में. थैंक यू, थैंक यू.
पास है हाय हेलो हेलो स्पेशल स्क्रीनिंग है एंग्री बर्ड 2 की और बहुत ही क्यूट फिल्म है एनिमेशन फिल्म है जैसे कि पता ही आप लोगों को एनिमेशन फिल्म मुझे बहुत बहुत पसंद है और मैं अपनी फेदरी बर्ड से आज मिलने आई हूँ और मैं देखना चाहती हूँ किस तरीके से वो ग्रीन पिग से फाइट करती है एक बार फिर और अपनी फैमिली को बचाती है हाँ हाँ जी जी बहुत एक्साइटेड हूँ ट्रेलर्स बहुत ही प्रॉमिसिंग है एंड आई एम श्योर जिस तरीके से उन्होंने एंग्री बर्ड 1 बनाई थी उसी तरीके से और भी इस बार और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड थैंक यू बहुत ज़्यादा पसंद है पिछली बार मैं यहाँ आई थी द लायन किंग देखने के लिए और एनिमेशन फिल्म्स मेरी हमेशा से ही फेवरेट रही हैं एंड दैट्स हाउ आई एम हियर टुडे थैंक यू मैं क्या बोलूँगा हाँ यस ट्रेलर देखने से पहले भी दे वर सेइंग मैम आपकी वॉइस कमाल है मैंने कहा ट्रेलर रिलीज ही नहीं हुआ अभी तक मेरा बट दैट्स द फैंस हु आर सेइंग इट लेकिन मतलब आई हैव नेवर बीन अप्रिशिएटेड फॉर माय वॉइस यू नो हमेशा लोग बोलते हैं आपका यही सीन पसंद आया या ये फिल्म पसंद आई या ये सीरियल लेकिन अब पहली बार मुझे मैम योर वॉइस इज़ वेरी नाइस तो ये एक नई चीज़ है एंड हमेशा आवाज़ तो कभी नहीं दी हमेशा परफॉर्म किया है पहली बार आवाज़ के थ्रू परफॉर्म किया है सो एक चैलेंज भी था एंड आई एम फीलिंग सो गुड बिकॉज समथिंग न्यू आई ट्राइड एंड इट इज़ इवन मोर सेटिस्फाइंग आई थिंक समटाइम दैन अ बैड रोल यू नो यू फील चलो ठीक है काम है बट दिस थिंग ऑफ वर्किंग इन अ हॉलीवुड फिल्म विद पीपल ऑफ योर टीम कपिल एंड कीकू एंड वॉइस के थ्रू अपने आप के या इमोशंस या ह्यूमर को बयां करना दैट वॉज वंडरफुल मैं तो इतने सालों से कह रहा हूँ कि असली विलन ये है लेकिन कोई मानता नहीं था मेरी बात अब समझ में आया लोगों को कि हाँ ये विलन है लेकिन क्यूट विलन है क्यूट विलन बहुत क्यूट विलन क्यूट विलन है ना बट आई लव द मैंने जब ये इसका प्रोमो देखा इसका जो इसका ट्रेलर देखा आई थिंक वन ऑफ द क्यूटेस्ट एंड द स्वीटेस्ट promos that I've seen yeah. really and she did a fantastic job with it aaj hi appreciate kutte ke sath jo aaj hi bol raha tha yaar ye bahut acha hai ye jo tune kiya hai acha kiya hai maine kaha kam tareef karta hai to isliye I'm very happy koi preparation nahi ki kiku kapil tino ne maine aur डबिंग से मैं हमेशा डरती थी और मैं कतराती थी एक्चुअली क्योंकि एक डब्बे में बंद आप यू नो ठंड लगती है यहाँ पर और 3-4-6-8 घंटे आपको सिर्फ आवाज़ से खेलना होता है आपने उन दिनों तेरी तबीयत बहुत ख़राब थी हाँ स्पेशली इस टाइम तो मेरी हाँ सो दैट विल कम टू लेटर बट हमेशा डबिंग से कतराती थी मैं सो और आपने ऑलरेडी अपनी परफॉर्मेंस कर दी होती है फिर आपको दोबारा यू नो आवाज़ देनी होती है तो आई ऑलवेज हेटेड डबिंग पहली बार मुझे डबिंग करके ऐसा लगा कि आई डोंट माइंड गोइंग एंड डबिंग एंड गिविंग माय वॉइस बिकॉज ये एनिमेटेड मूवी थी इसमें एक कैरेक्टर ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो गया था तो ये एक और क्रिएटिव चैलेंज था कि आप इस कैरेक्टर को अपने अंदाज में एक बार फिर रिक्रिएट कैसे करो अपनी भाषा में तो दैट फॉर मी वाज अ चैलेंज एंड आई लव डूइंग इट सो डबिंग नॉर्मली आई हेट ऐसा सुनने में आया है कि इनका जो वर्जन है ज्यादा फनी है ओरिजिनल हां दैट्स व्हाट पीपल आर सेइंग और द साउंड टीम एंड एवरीबॉडी इज सेइंग कि आप लोगों ने मैंने ही नहीं कपिल ने कीकू ने मैंने कि आप लोगों ने जो डायलॉग थे उनको अपने अंदाज में कहकर हमने लाइनें चेंज करी हमने सारी वो लाइनें फॉलो नहीं करी काफ़ी कुछ क्रिएटिव लिबर्टीज ली हैं तो इसलिए वो लोग बोल रहे हैं मैं नहीं बोल रही आप देखना कि द हिंदी वर्जन एटलीस्ट फॉर द इंडियन ऑडियंस इज मच मोर एंजॉयबल दैन द इंग्लिश वर्जन आई होप आई हैव नॉट सेड टू मच डायलॉग ऐसे तो याद नहीं क्योंकि खाली पढ़ के बोले थे लेकिन एकाध है कि वो कुत्ते को मैं लेकर जाती हूँ आज ही मेरी बीबी आ जा आ जा आ जा आ जा फिर मैं लकड़ी फेंकती हूँ मैं जा लेकर आ जा
And then he doesn't move kyunki wo to barf mein chupa tha. And I say, jata kyun nahi hai? So it's a cute version of my voice which I've given slight difference and variation. And well, I hope everybody likes it. And especially bachcho ko tha, I think bahut pasand aayegi. And I think adults also. क्या है कौन से किस चीज की बात हमारा कपिल शर्मा शो हां काफी अरसे बाद मैं एक्चुअली मैं काफी टाइम तक मैं कपिल तेरा शो बोलती थी एक बार स्टेज पर उसने बोला मैम आप मेरा शो क्यों बोलती हम सबका शो है तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं सिर्फ रिप्लेसमेंट नहीं हूं अब मैं एक शो का एक हिस्सा बन गई हूं एंड किसी ने पूछा भी था कि कुछ लोग गए कुछ लोग आए कुछ नए आए कुछ लोग पुराने चले गए तो आई फील दैट चेंज में ही ग्रोथ है और बिना चेंज के कोई ग्रोथ नहीं होती है तो इस शो ने भी एक बहुत बड़ी लीप ली है आगे इन टर्म्स ऑफ टीआरपी इन टर्म्स ऑफ जो एक होता है ना लोकप्रियता इतना लोकप्रिय हो गया है कपिल शर्मा का शो कि इट्स बिकम पार्ट ऑफ एवरीबडीज फैमिली एंड दिस आई थिंक ओनली हैपन्स व्हेन ऊपर वाला ब्लेसेस किसी तरह से हमारी सबकी ऐसी एक टीम बन गई है एंड द biggest responsibility of the success of Kapil Sharma's show goes to the backstage jo team hai jo creative team hai wo itna badhiya kaam karti hai I hope Bharat and Vankush and all of you Anuka all of you who are here listening to this I hope you know that we appreciate you lots to jo likhne wale hain aur jo andaaz batane wale hain ki is tarah se is gag ko karo is tarah se ye line karoge to everybody learns mujhe to एक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती वहाँ पर लेकिन मेरा काम है अप्रिशिएट करना और मैं अंदर से बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ क्योंकि कॉमेडी जो सबसे मुश्किल चीज़ है वो कपिल कीकू कृष्णा भारती एवरीबडी जो शुमोना जो मंच पर करते हैं और जो मंच के पीछे जो पर्दे के पीछे साइलेंटली अनसंग हीरोज ऑफ कॉमेडी होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं एंड मैं वहाँ पर सिर्फ जाकर हंसती हूँ लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि मेकअप करके वहाँ बैठना ऐसे लगता है कि अरे यार अभी मतलब रोज शूट करना पड़ेगा एंड व्हेन आई गो देयर एंड देन आई फॉरगेट ऑल द टेंशंस एंड आई जस्ट वो डेढ़ दो घंटे मतलब मेरे उस हफ्ते के बेस्ट होते हैं मैं तो रोंगटे खड़े कर दे मैं अभी भी मेरे मतलब आई एम गेटिंग गूज बम्प्स इज वहीदा जी एंड आशा पारेख जी आई कैन नॉट टेल यू व्हाट आई फेल्ट लाइव जो मंच पर आप लेजेंड्स को देखते हैं मैंने सबके साथ काम किया है फ्रॉम अमिताभ बच्चन टू मतलब एवरीबडी कभी मेरा ऐसा और नहीं हुआ और मैंने आशा जी के साथ काम किया है लेकिन उस मंच और वहीदा जी से मैं पहले मिली भी हूँ काफ़ी बार लेकिन जो उस मंच पर आकर जो एक उन एहसास होता है कि उनका बॉडी ऑफ वर्क इतना महान है एंड यू फील सो स्मॉल एंड सो हम्बल सो आई जस्ट फेल्ट दैट इमोशंस स्टार्टेड कमिंग डाउन टियर एज सो ग्रेसफुल दे वर सो ब्यूटीफुल उस जमाने के उस एरा के जो स्टार्स हैं उन दे आर टाइमलेस दे आर प्राइसलेस मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत डरी हुई भी हूँ कि मैंने आई होप क्योंकि मैंने कीकू और कपिल को डब करते हुए नहीं सुना था अब जब मैंने ट्रेलर सुना मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा किया इन लोगों ने यार आई होप मेरे वो चार पांच डायलॉग के अलावा मैंने भी पूरी फिल्म में अच्छा किया हो एंड आई हैव टू से 102 बुखार था जैसे कि परमीत ने भी कहा मैंने फिर भी मतलब कमिटमेंट था मैं न्यूयॉर्क जा रही थी उसके बाद तो आई हैड टू डब तो 102 बुखार में अगर जैसा भी आवाज़ 19-20 रही हो लेकिन आई होप मेहनत से मैंने कवर अप कर दिया है और अगर 102 बुखार के की वजह से थोड़ी आवाज़ बेहतर हो गई है तो डन डाल दो थैंक यू मैंने एज यूजुअल इनको बोलने नहीं दिया ये मेरी जगह नहीं बोलने की बात Thank you. Yeah, that's why I'm here.
I'm very excited. I love the first part too. Our second part, I think it's going to be more exciting. All Angry Birds are my favorite. In fact, I have given this name to my favorite person. Sometimes I call my mom also Angry Bird. Sorry? Not all animation movies, but this animation is superb. I think it doesn't give you the feel that you are actually watching animation. I would love to do Cinderella or some princess character. Thank you. किसी ने पूछना या हमने बोल के चले जाना अलग से मतलब क्यों अच्छा ये इनसे नहीं नहीं इकट्ठे में देखो तीन फनी लोग इकट्ठे हुए हैं और वो भी अपनी मर्जी से बोलने के लिए और बोलने के लिए सबसे ज्यादा इससे बड़ा चैंपियन कौन मिलेगा एंग्री बर्ड को कि खुद कपिल शर्मा मिल गया बोलने के लिए और कपिल शर्मा की हाजिर जवाबी सब जानते हैं और मुझे पता है उसको जो स्क्रिप्ट मिली होगी उससे हटके उसने कुछ ना कुछ बोला ही होगा 100%. और जो बोला होगा उस पर बहुत बड़े लाफ्टर आने वाले हैं तो आई एम एक्सपेक्टिंग वो ह्यूमर जो इंग्लिश में नहीं होगा वो हिंदी में हमें ज़्यादा मिलेगा सो ढींगरा साहब आप भी कुछ मेरा तो बच्चा इस एंग्री बर्ड का बहुत बड़ा फ़ैन है वो साथ आया कपिल उसको डब कर रहा है तो इंटरेस्टिंग तो डेफिनेटली होगा मतलब एक एक बाप क्या बोलते हैं बाप का दोस्त है दूसरा बच्चे का दोस्त बच्चे का दोस्त है नहीं नहीं देखो चक्कर ये है कि हम कपिल को रोज सुनते हैं रोज मतलब फोन पे भी सुन लेते हैं घर जाके तो भी सुन लेते हैं तो हम कपिल को देखा हुआ है अब वो मोटे में से कपिल की आवाज आ रही थी तो हमें तो डिफरेंट लगेगी लेकिन मजा आ रहा था अभी वैसे कपिल आज के लव बर्ड बना हुआ है लव बर्ड एंग्री बर्ड बना है तो इंटरेस्टिंग कुछ होगा कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होगा ही बट आई लाइक के मुझे ऐसा लग रहा था कि आवाज़ बहुत सूट कर रही है या तो सूट कर रही है या कपिल ने सूट करवा दी है सो वेरी एक्साइटेड टू सी दी होल मूवी क्योंकि ट्रेलर में थोड़ा था जब पूरा देखेंगे फिर कपिल को बताएंगे कैसा लगा थैंक यू Hi, hi. Personally, काफ़ी लोगों ने जिन्होंने भी ट्रेलर देखा एटलीस्ट ट्रेलर देख के तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि भाई ये तो फनी है मतलब अब वो तो खैर भाषा का भी एक बैरियर होता है कि इंग्लिश का ट्रेलर और हिंदी में फ़र्क तो है लेकिन ये जो आवाज़ें हैं जो मैंने भी जो मैं अपना कैरेक्टर प्ले करता हूँ शो में बच्चा यादव मैंने उसी अंदाज में ये कैरेक्टर भी किया है तो मेरे ख्याल से कपिल और बच्चा यादव की नोकझोंक इतनी ज़्यादा शो में भी होती है और वही आवाज़ें फिर आप एक इन कैरेक्टर्स में सुनते हो तो एक रिलेटेबिलिटी बढ़ती है तो लोगों ने काफ़ी उन आवाज़ों को पहचाना और उस पर काफ़ी अच्छा रिएक्शन भी मिला देखिए
देखिए उसमें डिफ़िकल्टी तो होती है क्योंकि फॉरेन में मतलब जैसे ये फिल्में बनाई जाती हैं उसमें पहले वॉइस रिकॉर्ड की जाती है एक्टर की और उनके बोलने के अंदाज़ पे उनके भावताओं पे फिर कैरेक्टर क्रिएट करते हैं. एनिमेटेड कैरेक्टर बाद में क्रिएट किया जाता है, पहले आवाज़ें रिकॉर्ड की जाती है. हमने उल्टा किया है क्योंकि हमने ऑलरेडी उन्होंने के जो लिप मूवमेंट हैं उससे मैच करती हुई अपनी आवाज़ देनी है. उन्होंने अंग्रेज़ी में कुछ कहा है वो बात हमें हिंदी में कहनी है. अब अगर कैरेक्टर का मुँह एकदम खुला हुआ है लेकिन आप कोई ऐसी बात कर रहे हैं जिसमें मुँह बंद है तो थोड़ा टेक्निकली थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है. प्लस आपको अपना देसी ह्यूमर ऐड करना है उसमें और वो ह्यूमर डालते डालते जो कहानी का मतलब है या उस बात का जो मतलब है वो बदलना नहीं चाहिए. तो है थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन आया बड़ा मज़ा करने में. मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरा परिवार मेरे साथ आया है. वो शायद इतने एक्साइटेड ना हो कि आपकी आवाज़ घर में हम इतना सुनते हैं अब और नहीं सुनेंगे. मेरे बेटे नहीं नहीं एक्साइटेड है, मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन सभी एक्साइटेड हैं. थैंक यू. लेकिन ये तो इतना ऐसे मत करो, फिर अलग अलग भी सबकी आईडी हो जाती है. दोबारा कर लें. आजा आजा, वाह, पहला मीडिया का नुकसान ये नुकसान करे. हाँ अरे मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि कपिल ने और कीकू ने और अर्चना जी ने तीनों ने आवाज दी है. अर्चना जी ने बहुत जज किया, अभी मैं जज करूंगा ऊपर जाके कि कैसी डबिंग की अर्चना जी ने. अभी मेरा टाइम है जज करने. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ये बच्चों का फर्स्ट टाइम है थिएटर में. दे हैव नेवर बीन टू अ थिएटर, मूवी थिएटर तो. अच्छा हाँ, ये फर्स्ट टाइम कोई फिल्म देखने के लिए आ रहे हैं. हाँ, तो कभी थिएटर में आए नहीं है. अभी हमारी फिल्म रिलीज हो रही है जो कश्मीरा ने डायरेक्ट की है, मरने भी जा रहे हैं, लेकिन उसके वो भी नहीं दिखाई. फर्स्ट टाइम एंग्री बर्ड दिखा रहे हैं हम लोग. बहुत टाइम पहले मुझे डम एंड डम्बा ऑफर हुई थी मुझे और सुदेश जी को, लेकिन कोई कुछ हासिल हुआ था तो हम लोग नुकसान कर रहे थे, हम लोग कर नहीं पाए थे. लेकिन हाँ, आई वुड लव टू डब अ कार्टून फिल्म यार. मेरा बड़ा दिल है कि मैं कोई कार्टून फिल्म डब करूँ. चलो अभी बहुत टाइम है, फ्यूचर में तो कभी भी कर लेंगे. टॉम एंड जेरी यार मेरा भी फेवरेट. और अभी क्या है ना, वो ताज़ा हो गया हम लोग के लिए क्योंकि ये लोग भी देखते हैं टॉम एंड जेरी, तो इन लोग के साथ बैठ के हम लोग भी टॉम एंड जेरी देखते हैं. उन्होंने नहीं, हमने एपिसोड कंप्लीट किए हैं. माइंड ब्लोइंग, इससे अच्छा और क्या चाहिए. लोगों ने, ये अच्छी बात है कि नई फैमिली को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी था, तो वो एक्सेप्टेंस है. हम लोग सब लोग साथ में मिलके सबने बहुत मेहनत की है एंड थैंक्स टू एवरीवन के 10 महीने हो गए और शो की जो TRPs हैं वो अभी भी नंबर वन पे. नंबर वन नॉन फिक्शन शो हिंदुस्तान का अभी भी कपिल शर्मा शो ही है और ऐसे ही रहेगा क्योंकि हम लोग सब बहुत मेहनत करते हैं, एक दूसरे के लिए भी मेहनत करते हैं. एंड बोलते हैं ना, कॉमेडी इज़ अ वेरी सीरियस बिजनेस, तो वाकई में बहुत सीरियस है, लगे रहते हैं. अभी हम लोग आज आए हैं, अभी कल फिर कपिल के घर हम लोग टेक्निकल के लिए बैठेंगे, परसों हमारा शूटिंग है, तो एक एक दिन बैठना, क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इट्स अ टफ जॉब. थैंक यू. मैं आता हूँ, मैं इन लोगों को छोड़ के ना आया. किधर है लिफ्ट? अरे नहीं, इधर ही लिफ्ट है. हाय एवरीवन, व्हाट्स अप.
इनका तो पार्टी चलेगा। ये एंग्री बर्ड की बहुत बड़ी फैन है तो ये बहुत एक्साइटेड है और मैं इनके लिए एक्साइटेड हूँ। वैसे मुझे कार्टून्स बहुत पसंद है तो आई एंजॉय। आई थिंक हम लोग सब बहुत एक्साइटेड है और ये भी बात है कि हमारा पूरा टीम आवाज़ दिए ये फिल्म के लिए। सो आई थिंक जोक्स जो हमारा हिंदी जोक्स होने वाला है इंग्लिश जोक्स से बेहतर होने वाला है और ट्रांसलेट करने के लिए मैंने हस्बैंड भी लेके आया साथ साथ। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। आई थिंक ये जो कहाँ है वो ये रेड वाला एंग्री बर्ड जो बहुत गुस्सा करते हैं ना उसका तो बहुत मज़ा आने वाला है। हमारा रेड एंग्री बर्ड इधर है आ रहे हैं हम आप लोग के साथ बात करने के लिए। सो हैव फन एंजॉय द मूवी बाय। हाँ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था बहुत हेक्टिक था और अभी हम लोग छुट्टी स्कूल छुट्टी के जैसे एंजॉय कर रहे हैं शो फिनिश करने के बाद। चलो फिल्म स्टार्ट हो रहे हैं हम लोग जा रहे हैं।